पत्नी का कारनामा देखकर आप भी दंग रह जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। अरवल से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो हर पति पत्नी को देखना चाहिए और समझना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चार तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, सीसीटीवी एक, सीसीटीवी दो, सीसीटीवी तीन, सीसीटीवी चार। इस वीडियो में आप देखिएगा और समझिएगा, एक लाचार पति अपने पत्नी से परेशान होकर चोरी छिपे सबूत इकट्ठा करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए, इसलिए क्योंकि महिला का केस ज्यादा मजबूत होता है पुलिस के सामने और लाचारी बेबसी पति को देखने को मिलता है। इस तस्वीर को आप देखकर हैरान रह जाइएगा कि प्रिंसिपल पति और घरेलू महिला यानी पति पत्नी में आए दिन मारपीट होते रहती है और इस मारपीट में पत्नी आए दिन पति को मारती है, मारती पीटती है, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद वो तस्वीर हुई है। बताया जा रहा है कि किसी निजी स्कूल के ये प्रिंसिपल हैं और अपने घर जाते हैं तो आए दिन पत्नी इनसे मारपीट करती है, आए दिन गाली गलौज करती है, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक 4 साल का मासूम बच्चा भी है घर में जो इस घटना का शिकार बन रहा है, उसके उस पर क्या बीतेगा, क्या कुछ असर होगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन जो वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है उसमें साफ प्रिंसिपल का कहना है कि मेरी पत्नी आए दिन मुझसे मारपीट करती है, मुझे मारती है, पीटती है, कभी बेल्ट से तो कभी डंटे से मुझे मारती है। पुलिस में FIR भी करवाता हूँ तो FIR नहीं लिया जाता है। हालांकि इस पहले वायरल वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरह से पत्नी का अत्याचार CCTV कैमरे में कैद हुई है। तो आपने देखा कि पत्नी किस तरीके से प्रिंसिपल पति पर अत्याचार कर रही है, कभी बेल्ट से तो कभी डंटे से मार रही है। पति प्रूफ इकट्ठा करने के लिए यानी सबूत इकट्ठा करने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो चुकी है। अब उसके आधार पर पति भी सुरक्षा का गुहार लगा रहा। हालांकि हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिए इंतजाम करने के लिए स्थानीय थाना को बोला है, लेकिन थाना इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। अब देखना होगा कि थाना इसे कब गंभीरता से लेती है।